नमस्ते भाई और बहनों, आज हम कर रहे हैं इलीगल सीजन 3 का रिव्यू जो हम जियो सिनेमा में देख लिए हैं। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि आज के जमाने में सीजन 3 तक पहुंचना किसी भी सीरीज के लिए जो है एकदम मैराथन जीतने के बराबर है। काहे कि आजकल लोग ना एकदम फटाक से रिजेक्ट कर देते हैं, तो कोई शो अगर सीजन 3 तक पहुंच रहा है मतलब वो सुपर हिट है। इसीलिए हम देख लिए हैं इलीगल सीजन 3 जो स्ट्रीम हो रहा है जियो सिनेमा पर। कलाकारों की यदि बात करें तो इसमें है मुख्य भूमिका में नेहा शर्मा, और नेहा शर्मा जितनी ब्यूटीफुल है उतनी ज्यादा टैलेंटेड भी है, ये हमको इलीगल देखने के बाद में पता चला। काहे कि वो बहुत सहजता से एक्टिंग करती हैं और मॉडर्न डे गर्ल के रोल में एकदम फिट बैठती हैं, और उनका साथ दे रहे हैं अक्षय ओबेरॉय जो कि हमारे फेवरेट हैं, कितने क्यूट लगते हैं, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं, और सत्यजीत हैं, और साथ में हैं पीयूष मिश्रा जी जो स्वयं अपने आप में एक्टिंग का चलता फिरता स्कूल है। तो कास्टिंग जो है इस सीरीज की बेजोड़ है, और छोटी मोटी कास्टिंग भी जो किरदार आके चले जाते हैं वो भी अपनी छाप छोड़ते हैं, ये इस सीरीज की जो है विशेषता है। ये भी कह सकते हैं कि जितने भी कास्टिंग है वो सब अपने रोल के साथ जस्टिस कर रहा है। तो कहानी जो है सिंपल है, ये कोर्ट रूम ड्रामा टाइप का जो है सीरीज है, और सीजन 1 और 2 देखेंगे तो आप किरदारों से ज्यादा अच्छी तरह से जुड़ पाएंगे और सीजन 3 को और ज्यादा अच्छा इंजॉय कर पाएंगे। तो निहारिका जो है, जिनको मैड लायर के नाम से भी जानते, लायर मतलब लॉयर वाला लॉयर, क्योंकि वो जो है एकदम सरफिरी है और वो एकदम सत्य का साथ देने वाली, एकदम निष्ठा से काम करने वाली जो है लॉयर है। लेकिन इस सीजन में जो है उनका पाला जो है वो थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि निहारिका जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, अब जो है मैनिपुलेशन के गेम में जो है फंसती जा रही है, और उनकी महत्वाकांक्षाएं जो है वो कहीं उनको करप्ट तो नहीं कर देंगी। इस बार निहारिका ने केस उठाया है एक ऐसे आदमी का जो अपनी वाइफ की बीटिंग करता है, मतलब पत्नी को पीटा करता है। तो ऐसे औरत ही औरत की दुश्मन कैसे बन गई, ये जानने के लिए ये गुत्थी सुलझेगी अगर आप सीजन 3 देखेंगे। फिर भी इस सीजन का एक तो गलती हम पकड़ लिए, केवल 8 ही एपिसोड दिखाए गए हैं, 9वां दिखा देते और कहानी को थोड़ा समेट लेते इस सीजन में तो हमको बड़ा अच्छा लगता। अब क्या है, हमको इंतजार करना पड़ेगा इलीगल सीजन 4 के आने का, तो ऐसा नहीं होता है राजा। लेकिन सभी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन से लेके डायरेक्शन से लेके कॉस्ट्यूम से लेके कास्टिंग से लेके सब जो है एकदम बेजोड़ है, और हमको जियो सिनेमाज पे देखकर बड़ा मजा आया। आप लोग भी स्वयं विवेक से देख लो और हमको बताओ आपको कैसी लगी। ठीक है, अच्छा चलते हैं, चाय चढ़ाई है।